स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ महाराष्ट्र आप सब लोग को स्वागत करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बी सुरेंद्रनाथ रेड्डी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारा यूनिवर्सिटी 2021-22 पीजी एडमिशंस एंड अदर कोर्सेस के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू किया है। तो ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कैसे करने का, ये वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप सब लोग को दिखाते सो दैट यू कैन अप्लाई इजीली। तो ये लिंक है srtmupgadmission.onlineportal.org.in। तो इधर जाने के बाद आप पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरत है, तो रीड दिस इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड जो जो डॉक्यूमेंट्स जरूरत है उसमें लिखा वाला है वो सब डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट कॉपी में तैयार करके रखना बहुत जरूरत है। ओके, तो प्रॉस्पेक्टस पहले आप पढ़ लीजिए, उसमें कौन सा स्कूल्स है, कौन सा कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और फी स्ट्रक्चर, ये सब उसमें प्रोस्पेक्टस में इन डिटेल दिया वाला है। ओके, एंड लास्ट डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन इज दिस 4 सितंबर। ओके, बट मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ ये लास्ट डेट तक रुकने का नहीं है, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में आपको तकलीफ ना हो। ओके, और इस टाइम थ्रू सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एमएससी जुआलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, पीजी डीएमएलटी एंड एमएससी केमिस्ट्री, ये 5 कोर्सेस के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। बाकी कोर्सेस के लिए एडमिशन बेस्ड ऑन मेरिट है। तो और उसमें फी स्ट्रक्चर भी दिया वाला है, 150 फॉर ओपन कैटेगरी एंड 100 रुपीज फॉर रिजर्व कैटेगरी, ये सीईटी प्रोग्राम्स के लिए, और नॉन सीईटी प्रोग्राम्स के लिए 200 फॉर ओपन कैटेगरी एंड 150 फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो ये फीस है, और आप लोग को अप्लाई करते टाइम में क्या क्या रेडी है, रेडी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, आपका रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, 12th क्लास मार्कशीट, और बीएससी बीए या जो भी ग्रेजुएशन है उसका ईयर वाइज मार्कशीट, इन केस रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट है तो कैस्ट सर्टिफिकेट, कैस्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमियर लेयर सर्टिफिकेट, वेन एवर हु एवर इट इज रिक्वायर्ड फॉर। ओके, कोई फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट अप्लाई कर रहे तो उसका सर्टिफिकेट, ओके, एक्स सर्विसमैन वगैरह वगैरह, ये सर्टिफिकेट सब आप लोग रेडी करके रखना है, तो जब आपको अपलोड करने का टाइम है तब आप अपलोड करने का। ओके, नाउ ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ने के बाद फर्स्ट स्टेप है क्लिक हियर टू कंटिन्यू। तो आप एक क्लिक करने के बाद पहले बार आपको स्टूडेंट लॉगिन आएगा, तो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हु एवर अप्लाइंग फर्स्ट टाइम वन शुड डू न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ओके, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन, और कोई रजिस्ट्रेशन करने के बाद इधर लॉगिन में जाना है वो मैं बाद में बताऊँ। तो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट कोई अप्लाई कर रहे तो वो एक टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन सिंपल रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इसमें याद रखने का ये कैंडिडेट्स नेम, तो आपका जो मार्कशीट में है एसएससी में और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में वो नेम इधर एज इट इज लिखना है, क्योंकि आगे बाद में आप लॉग इन होने के बाद आपका नेम चेंज होने का चांस नहीं रहते, तो वो फिक्स रहते, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम में आपका पूरा नाम क्या है एज पर मार्कशीट वो एंटर करना बहुत जरूरत है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है, मैं एज इट इज आपको लिख के बताता हूँ। तो ये नेम एक बार में चेंज किया इधर एंटर करने के बाद बाद में उधर एप्लीकेशन में नेम चेंज नहीं होते हैं, वो ध्यान में रखना है। ओके, डेट ऑफ बर्थ, सो इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, ओके, नाउ मेल फीमेल और अदर यू जेंडर, राइट। आफ्टर दैट आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन सारे कम्युनिकेशंस ये मोबाइल नंबर पे आते, तो मेरा नंबर मोबाइल नंबर आप मैं इधर एंटर करता हूँ। ओके, उसके बाद ईमेल आईडी, क्योंकि आपको मोबाइल और ईमेल आईडी अपडेटेड देना जरूरत है, क्योंकि आगे जो भी कम्युनिकेशन है जो भी क्वेरी है ये दोनों तरफ से आपको पूछना चाहिए। उसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर में दिया है आपका वो ओटीपी उधर आ जाते, तो ओटीपी एंटर करना जरूरत है। ओके, तो
बाद में एक कोड। यस सो नाउ आई एम रेडी टू सबमिट। तो मेरा रजिस्ट्रेशन, पहले फर्स्ट स्टेप फॉर लॉगिन का रजिस्ट्रेशन होता है। नाउ इट सेज दैट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और योर डेट ऑफ बर्थ इज योर पासवर्ड। ओके तो DDMMYYY ये फॉर्मेट का पासवर्ड है, राइट? तो मेरा रजिस्ट्रेशन अभी सक्सेसफुल हो गया। तो लॉगिन करने के लिए मैं अभी इमीडिएटली आपको इधर आगे जाना है। तो पहले का पासवर्ड, करंट पासवर्ड क्या रहते हैं? करंट पासवर्ड इज डेट ऑफ बर्थ विच यू हैव एंटर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। और फर्स्ट टाइम जब आप होता है तो पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछते। तो मेरा ये है, अभी पासवर्ड में कुछ अलग देता हूँ जो बाद में मैं एक्सेस कर, तो सबमिट करने, राइट? तो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली आ गए, राइट? ओके नाउ अभी ये स्टूडेंट लॉग इन में जाता हूँ। मैं स्टूडेंट लॉग इन जाने के बाद मेरा मोबाइल नंबर जो इसका पहले दिया वाला है वो सेलेक्ट करता हूँ। ओके और जो पासवर्ड ने मैं सेट किया उससे एंटर होता हूँ लॉग इन। सो यू क्लिक ऑन दिस लॉग इन, क्योंकि अभी मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। नाउ आई कैन लॉग इन फ्रॉम हियर। अभी आप देख सकते हैं इसमें आपको तीन अलग अलग दिखते, न्यू एप्लीकेशन और एडिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट और डाउनलोड एप्लीकेशन। तो जब आप अभी तक कुछ अप्लाई नहीं किया तो ये न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो आप अप्लाई किया है, ओके, लेकिन पेमेंट करना बाकी है तो आप इधर जा सकते हैं। और पेमेंट भी कर लिया तो आप आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फाइन, तो आप फर्स्ट वील गो टू न्यू एप्लीकेशन। तो पहले बार मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ये न्यू एप्लीकेशन क्लिक कर दो। हाँ, ये इसमें स्टेप बाय स्टेप पहले आप सेलेक्ट करना है कौन सा प्रोग्राम को आप अप्लाई कर रहे हैं, विच इज ए सेट और नॉन सेट। फॉर एग्जाम्पल आई विल सेलेक्ट डायरेक्ट एडमिशन बेस्ड ऑन मेरिट। ओके तो आप प्रोस्पेक्ट में देखा तो या ऑलरेडी लैंडिंग पेज में दिखाया वाला है कौन सा प्रोग्राम्स थ्रू सेट होने वाला है, कौन सा प्रोग्राम्स नॉन सेट होने वाला है। ओके फाइन, तो अभी मैं डायरेक्ट एडमिशन बेस्ड ऑन मेरिट सेलेक्ट किया है, राइट? उसके बाद आप कैंपस सब कैंपस सेलेक्ट करने का तो इसमें सेलेक्ट किया तो ड्रॉप इन है वो। क्लिक करने के बाद आपको इधर आ जाएगा SRTM यूनिवर्सिटी कैंपस या सब सेंटर लातूर परभनी हिंगोली। तो आप SRTM यूनिवर्सिटी कैंपस नांदेड़ सेलेक्ट करना है, ये कैंपस के लिए अप्लाई करना है। तो सब कैंपस को अप्लाई करना है तो सब कैंपस सेलेक्ट करने का। ओके देन ये कैंपस सेलेक्ट करने के बाद कौन से स्कूल का प्रोग्राम आप अप्लाई करने वाले हैं, समझो मैं स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस सेलेक्ट कर दूँ। ओके तो हम इस टाइम स्टूडेंट्स का यूजर फ्रेंडली और स्टूडेंट्स को कहाँ भी तकलीफ हुआ हेल्प करने के लिए हम इस टाइम टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया वाला है। तो जैसा आप स्कूल सेलेक्ट करेगा वो आपको इधर अलग हर स्कूल के लिए एक एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया वाला है। तो जैसा स्कूल सेलेक्ट करेगा आपको इधर क्लिक हियर टू ज्वाइन स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस टेलीग्राम लिंक। तो आप मोबाइल से समझो कर रहे तो आप डायरेक्टली क्लिक करो, या कौन सा भी डेस्कटॉप से कर रहे तो आप ये QR कोड स्कैन किया तो इमीडिएटली वो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन होता है। तो आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम में ज्वाइन हो सकता है, तो कभी आपको कुछ तकलीफ हुआ इमीडिएटली आप उधर हमको कनेक्ट कर सकते हैं, हमको पूछ सकते हैं। ओके एक मैक्सिमम स्कूल्स को हम बनाने वाला है, समझो स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस सेलेक्ट किया तो आपको इधर उनका टेलीग्राम ग्रुप लिंक एज वेल एज QR कोड आपको मिल जाते हैं। ओके तो अब मैं स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद इसमें प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम आप अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा स्कूल करेंटली टू प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, MSc मैथमेटिक्स MSc स्टैटिस्टिक्स, समझो MSc मैथमेटिक्स में सेलेक्ट कर दो। उसके बाद मैं जैसा बताया ये नेम चेंज करने का आपके पास नहीं है, जैसा जब पहले बार रजिस्ट्रेशन किया है लॉग इन का वो टाइम पे एज इट इज रहेगा। अभी फादर्स नेम आप एंटर करना इधर, ओके एंड मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो ऑलरेडी सेलेक्टेड, परमानेंट एड्रेस से सपोज ट्राई टू एंटर योर कंप्लीट परमानेंट एड्रेस। ओके सो आई एम फॉर डेमो पर्पस आई एम एंटरिंग वेरी लिमिटेड बट यू ट्राई टू राइट क्लियरली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डू यू बिलोंग टू एनी ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, समझो इफ यू क्लिक ऑन नो तो कौन सा भी सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरत नहीं है,
आप रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट है, देन सेलेक्ट एस। तो एस एस सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर दो एक्स्ट्रा टैब आपको इधर दिखाई देते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट कैटेगरी में शेड्यूल कैस्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओके, वीजे और वीजे एनटी वन, वीजे एनटी टू, वीजे एनटी थ्री, ओबीसी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये अलग अलग कैटेगरीज है। जैसा कैटेगरी आप सेलेक्ट करेगा वैसा इधर अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट आएगा। समझो मैं इधर एनटी सेलेक्ट करेगा तो इधर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना है और वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी देना है, ओके, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी देना है, ओके। सो आप लोग को मालूम है ये जैसा ये सेलेक्ट करेगा वैसा आपको इधर दिखाई देते, वो सबसे आपको ये सर्टिफिकेट्स अपलोड करना पड़ता है। इसलिए पहले बोला वाले आपका सब सर्टिफिकेट्स आपका हाथ में सॉफ्ट कॉपी रखना जरूरत है, ओके। तो फिलहाल तो मैं इधर नो सेलेक्ट करता हूँ, ओके। समझो यस सेलेक्ट किया और मैं इधर फॉर एग्जांपल एससी सेलेक्ट किया, तो उसके टाइम पे आप इधर आपको अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये दोनों आते हैं, ओके। सो यू क्लिक ऑन दिस ब्राउज, तो ब्राउज सेलेक्ट करेगा तो आपको जो जिधर आपके पास है, ओके, ऑलरेडी सेव किया वाला है वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप, क्लिक ऑन ओपन। तो इसके बाद इधर आपको ग्रीन सिग्नल ग्रीन कलर में आएगा, इसका मतलब वो अपलोड हो चुका है, ओके। आपको रिमूव करना है तो रिमूव करके और अपलोड कर सकते हैं। सिमिलरली आप वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी, राइट। सो फिलहाल तो मैं इधर नो सेलेक्ट करता हूँ, फाइन। सिमिलरली फिजिकली हैंडीकैप यस आर नो, मैं आई सेलेक्ट नो, आप यस सेलेक्ट किया तो इधर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ओके, फाइन। और एक्स सर्विसमैन कोटा नो। इसके बाद आता है मार्क्स एंटर करने का, तो ये 12th मार्क्स एंटर करना बहुत जरूरत है सबको, राइट। तो मैं टोटल मार्क्स इन 12th पासिंग, तो 12th स्टैंडर्ड के लिए कितना मार्क्स है, समझो मेरा 1000 मार्क्स टोटल है, उसमें मुझे कितना मार्क्स मिला है, समझो मैं 970 मिला है, तो इधर परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दे। उसके बाद आते नेम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ट, तो समझो इसका मतलब है आप एमएससी प्रोग्राम के लिए या एमए प्रोग्राम के लिए मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे तो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है ग्रेजुएशन, बीएससी, बीए, बीकॉम वगैरह वगैरह, ओके। तो इधर उसका डिटेल्स एंटर करना पड़ता है, नेम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, समझो मैं इधर बीएससी मेरा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, टोटल मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये मैं सिर्फ डेमो पर्पस के लिए एंटर कर रहा हूँ, आपका एग्जैक्टली एंटर करना बहुत जरूरत है। समझो मैं इधर एंटर करता हूँ 3000, ओके, और उसमें से मुझे मार्क्स कितना मिला है, ये टोटल मार्क्स, ओके, सो मुझे मिला समझो 2700, तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, राइट। अभी समझो किसी के पास बीएससी नहीं है, वो 12th स्टैंडर्ड हुआ है उसके बाद एडमिशन ले रहे कुछ कोर्सेस को, तो तब इधर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन भी उसको 12th स्टैंडर्ड ही आते, तो दो बार एंटर करना पड़ता है सिर्फ वो केस में, राइट। अभी उसके बाद आप सेलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी, मतलब ये ग्रेजुएशन कौन सा यूनिवर्सिटी से किया वाला है, मतलब अभी फॉर एग्जांपल स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ का अंडर चार डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लातूर, नांदेड़, परभणी, हिंगोली, ये चार डिस्ट्रिक्ट कौन सा भी कॉलेज में किया वाला है तो वो SITM यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र का अंदर आते, ओके। या ये चार डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरा डिस्ट्रिक्ट से बीएससी या ग्रेजुएशन किया वाला है लेकिन महाराष्ट्र का अंदर किया वाला है तो वो आएगा अदर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, ओके। और अदर स्टेट से जो भी किया वाला है वो उसका सेलेक्ट करना है आउटसाइड यूनिवर्सिटी फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र। तो SITM यूनिवर्सिटी कौन सेलेक्ट करना है, जो चार डिस्ट्रिक्ट नांदेड़, लातूर, हिंगोली, परभणी, ये चार डिस्ट्रिक्ट में बीएससी किया वाला ग्रेजुएशन, बीएससी होने दो, बीए होने दो, बीकॉम होने दो, कौन सा भी ग्रेजुएशन आप ये चार डिस्ट्रिक्ट का अंदर जो कॉलेजेस है उसमें किया वाला है तो आप SITM यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। महाराष्ट्र से किया है लेकिन ये चार डिस्ट्रिक्ट से बाहर से किया वाला है तो अदर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र सेलेक्ट करना है, ओके। तो ग्रेजुएशन कौन सा यूनिवर्सिटी से हुआ तो समझो मैं इधर SITM यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ। तो आपका कॉलेज का एड्रेस डालना है, तो मैं इधर सिंपली कुछ डमी के लिए डाल रहा हूँ, प्लेस समझो नांदेड़, ओके, डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ और स्टेट महाराष्ट्र, ओके। फाइन, ये डिटेल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट आते ये मार्क्स एंटर करना बहुत जरूरत है। इसके लिए हम इधर
डिटेल्स दिया है वो डिटेल्स में आप लोग को एक्सप्लेन कर दो। किसी का ग्रेड्स है, कौन सा भी मार्कशीट में ग्रेड्स है, तो आप उसका परसेंटेज कन्वर्ट करके एंटर करना पड़ता है एज पर योर जो मार्कशीट पे ग्रेड टू परसेंटेज कन्वर्शन का फॉर्मूला जैसे दिया वाला है वैसा आप कन्वर्ट करके उसको डालना पड़ता है। ओके फाइन। दूसरा बात है, आप समझो कौन सा भी साइंस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का मार्क्स एंटर करना है, उसमें स्किल एनहांस प्रोग्राम्स का पेपर्स कंसिडर नहीं करना है। ओके मैं एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करता हूँ इधर। ओके ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब क्या है, समझो मैं बीएससी में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस किया वाला है, तो ये तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, बाकी सब सब्जेक्ट्स नॉर्मल सब्जेक्ट्स। ओके तो इधर में समझो 2019 में मेरा फर्स्ट ईयर हुआ, और ऑप्शन नेम ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर विच द कैंडिडेट विश टू रजिस्टर, तो मेरा रजिस्ट्रेशन एमएससी मैथमेटिक्स को करना है, तो मैं इधर मैथमेटिक्स लिखता हूँ, ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट बीएससी में। ओके और कोई भी एमएससी समझो फिजिक्स के लिए अप्लाई करना है तो आप इधर फिजिक्स डालना पड़ता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट। कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर, बॉटनी, जुआलॉजी, जैसा जैसा है ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मालूम है वो इधर डालना पड़ता है, राइट। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मैक्सिमम मार्क्स, ओके इसका फर्स्ट ईयर में समझो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ये मैथमेटिक्स का टोटल मार्क्स कितना है वो इधर डालना पड़ता है। ओके ऑप्शनल सब्जेक्ट, सो मैथमेटिक्स में समझो फर्स्ट ईयर में मेरा 300 मार्क्स, ये डेमो पर्पस है। ओके यू हैव टू केयरफुली एंटर बाय सीइंग योर मैथ मार्कशीट, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर फर्स्ट ईयर 300 से सपोज उसमें से मुझे मिला 290, तो ये परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ये आगे तीन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट ईयर में टोटल मार्क्स कितना है इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स, तो उसमें समझो मैं लिखता हूँ 1000, राइट। तो उसके बाद इधर मुझे कितना मार्क्स मिला है, तो समझो 900, राइट, ये 90% इधर आया। नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मार्क्स 2020, अगेन मैथमेटिक्स, राइट, एंड हियर सपोज 300 मुझे मिला 270, राइट, एंड अगेन टोटल सब टोटल मार्क्स इन दैट ईयर एंटायर ईयर इज 1000, मुझे मिला है सपोज 940, राइट, एंड 2021 थर्ड ईयर अगेन मैथमेटिक्स, हियर इस टाइम से सपोज 400, थर्ड ईयर में 400 मार्क्स है, 400 के लिए मुझे मिला 370 मार्क्स, एंड हियर इट इज टोटल मार्क्स इज सपोज 1000 एंड मुझे मिला है 900। ये इतना डिटेल्स है, फोर्थ ईयर आपके पास नहीं तो वो ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। ये मार्क्स एंटर करने के बाद आपको इधर करना है फर्स्ट ईयर मार्क्स अपलोड करना है, सेकेंड ईयर मार्क्स अपलोड करना है, थर्ड ईयर मार्क्स अपलोड करना है। ओके तो आप ध्यान से सुनिए, आपका मार्कशीट क्लियरली एक फोटो लेके पीडीएफ फाइल बनाने का, उसमें मार्क्स क्लियरली दिखना है, आपका मार्क्स बराबर नहीं दिख रहे तो आपका अप्लीकेशन रिजेक्ट होने का ज्यादा चांस है। ओके तो इधर ब्राउज क्लिक करने का और फर्स्ट ईयर मार्कशीट अपलोड करने का। ओके तो मैं सिर्फ डेमो पर्पस के लिए कुछ सेलेक्ट करता हूँ, आपको इधर अपलोड हो गया, सेकेंड ईयर का भी वैसे कर लेना। ओके अलग अलग मार्कशीट, थर्ड ईयर को भी आप दूसरा कुछ अपलोड कर सकते और उसका स्पेस स्पेस भी आप नॉट मोर देन 1 MB से आप अपलोड नहीं कर सकते, आपको जब ज्यादा हुआ तो उधर एरर बताते, एरर नहीं आया, ये ग्रीन कलर आया मतलब यू आर अपलोडेड, राइट, सक्सेसफुली अपलोडेड दी एप्लीकेशन। आप स्टार्टिंग में देखा तो इधर आपका फोटो अपलोड करना जरूरत है, इधर अपलोड योर फोटो, तो इसमें सेलेक्ट करने का। ओके कौन सा भी एक फोटो आप अपलोड कर सकते, राइट, लेट मी सेलेक्ट सम फोटो। आई विल सेलेक्ट दिस, तो मेरा फोटो भी अपलोड हो गया है। ओके सो हियर यू कैन सी दैट इट इज ग्रीन कलर, सो ये सब एक बार वेरीफाई कर लेना, इतना ही डिटेल्स आपको देना पड़ता है। और आप इधर क्रॉस वेरीफाई करना है जो क्वालिफाइंग एग्जाम है टोटल मार्क्स इधर और इधर क्वालिफाइंग मार्क्स टोटल सेम होना है, मैं डेमो में थोड़ा चेंज किया होगा लेकिन आप वो ध्यान रखना बहुत जरूरत है, आपका मार्कशीट सामने रख के केयरफुली मार्क्स एंटर करना है, राइट। तो आप सब रेडी है तो आप यू कैन क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट करने के बाद इधर आपको एक डायलॉग बॉक्स आते, प्लीज वेरीफाई ऑल डिटेल्स।
ओके, क्योंकि आप एक बार पेमेंट करने के बाद आपका चेंजेस नहीं होते, ओके राइट। अभी आएगा नेक्स्ट, इसमें योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नोट डाउन करना बहुत जरूरत है, क्योंकि आगे आपको पेमेंट वगैरह करते टाइम में या एडिट करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यूजफुल होता है। सो 101008 ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आपको एक नंबर आते हैं वो नोट डाउन करना जरूरत है। ओके, तो आपको इसमें जो जो डिटेल्स आप सबमिट किया वाला है आपको इधर दिखाई देते हैं, वेदर यू आर बिलोंग्स टू बैकवर्ड कास्ट, नो इसका मतलब इधर कास्ट नहीं आएगा, इधर यस किया होगा तो इधर कौन सा कास्ट है वो सब आ जाएगा, और मेरा पेमेंट कितना पे करना है वो भी दिखाते, 200 रुपीज, कौन सा प्रोग्राम को मैं सेलेक्ट किया, ये सब डिटेल्स आपको दिखते। नाउ क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट। अभी मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको इधर वेरियस ऑप्शंस दिखाई देते, समझो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते या डेबिट, कौन सा भी डेबिट कार्ड से पे कर सकते, रुपए सेपरेट है तो रुपए का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते, डिफरेंट वैलेट्स यूज कर सकते, यूपीआई समझो गूगल पे फोन पे से पे करना है तो आप ये सब कर सकते राइट, आरटीजीएस करो या भीम यूपीआई, कौन सा भी वेरी ऑल पॉसिबल, जितना भी करना है वो सब आप इधर किया वाला है। तो समझो मैं फॉर एग्जाम्पल यूपीआई सेलेक्ट कर दो, तो ये यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर प्लीज एंटर योर यूपीआई डिटेल्स आते, तो आपको यूपीआई आईडी मालूम रहते, ओके जो गूगल पे को अलग रहेगा फोन पे को अलग रहेगा वो डालने का, वो डालने के बाद आप इधर पे कर सकते हैं, उसका कन्वीनियंस फीस 5 रुपीज। ओके, आपको ये मोड से चेंज ये नहीं पे करना है तो यू कैन क्लिक ऑन चेंज मोड। चेंज मोड सपोज आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप ये डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका नंबर देना पड़ता है, उसका नंबर एक्सपायरी डेट वो लास्ट CVV 3 डिजिट्स ये आप डाल सकते हैं। ओके, या आप कौन सा भी रुपए है जितना पे करना है, आप नेट बैंकिंग सपोज से भरना है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद इधर कौन सा बैंक से आप पे कर रहे हैं वो बैंक इधर सेलेक्ट करना, सपोज स्टेट बैंक आप सेलेक्ट किया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सो इधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करके इसका प्रोसेसिंग फीस कन्वीनियंस फी जितना है वो इधर दिखाई देते, आप पे नाउ जा सकते। तो ये पेमेंट होने के बाद जैसा पेमेंट आप करेगा आपको इधर पेमेंट का सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन आ जाते, और आपका मोबाइल को भी वो रिसीप्ट नंबर आ जाते, और एप्लीकेशन जो आप पे करते वो एप्लीकेशन में भी पेमेंट होने के बाद एप्लीकेशन में भी आपका पेमेंट रिसीप्ट नंबर और कौन सा टाइम पे किया वो सब आपको इसमें आ जाते। ओके ओके, तो इधर पेमेंट होने के बाद जैसा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट होता है उसमें आपको इधर ऐसा पूरा क्लियरली एप्लीकेशन नंबर राइट, ये पुराना का है तो इसमें नंबर अलग रहते हैं, ये डेमो पर्पस के लिए दिखाया वाला है। ओके, तो आपको सिर्फ हाईलाइट करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, इसमें आपको कब पे किया उसका ट्रांसैक्शन नंबर इधर दिखाई देते, कौन सा डेट कितना अमाउंट पे किया, कौन सा डेट, ये सब इसमें आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इंक्लूड हुआ वाला रहते हैं। ओके, तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपके पास रख सकते, और सीईटी एग्जाम जिसको जिसको है वो टाइम पे आप कैरी कर ला सकते, दैट कैन बी शोन एज ए प्रूफ दैट यू हैव, एंड हमारा आपका डिटेल सब हमारे पास रहते, फिर भी आपके पास एटलीस्ट एक कॉपी प्रिंट ए प्रिंट रहना बहुत जरूरत है। ओके, सो दिस इज द इजिएस्ट वे वन कैन फिल द एप्लीकेशन, इट डजेंट टेक नॉट मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेते। आप सिर्फ ध्यान रखने का आपका मार्क्स एंटर करते टाइम में प्रॉपरली मार्क्स एंटर करना है, क्योंकि आप मार्क्स गलत एंटर किया आपका रैंकिंग या मोड में बदल हो सकता है, और उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप है। ओके, आपका मेरिट में नाम नहीं आया आप क्लेम नहीं कर सकते राइट, तो ये ध्यान रखना, मार्क्स एंटर करना सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से मार्क्स एंटर किया आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आप जो टेलीग्राम लिंक उधर दिया वाला है उसमें ज्वाइन हो जाना, आपको कौन सा भी डिफिकल्टीज है आप उसमें क्लियरली कर सकते हैं। ओके, एक और एक ये है, समझो आप एक ही लॉग इन से अलग अलग एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब समझो एमएससी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया है, तो एमएससी अप्लाई करने के बाद आपको और एक कोर्स को अप्लाई करना है तो आप कर सकते, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ लॉग इन होने के बाद। तो समझो इधर मैं लॉग इन करता हूँ,
ऑलरेडी आपको सेव किया वाला है, पेमेंट नहीं किया है तो आप इधर एडिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट को जा सकते हैं, किया होगा तो डाउनलोड एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके अभी ये दूसरा प्रोग्राम के लिए मुझे अप्लाई करना है, तो इधर और एक बार आप न्यू एप्लीकेशन क्लिक करके, फॉर एग्जाम्पल एमएससी फिजिक्स और एमएससी स्टैटिस्टिक्स और कौन सा भी अप्लाई करना है, ओके वो प्रोग्राम को आप इधर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो सेम लॉग इन से आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को अप्लाई कर सकते हैं, दैट वी हैव फैसिलिटी। सो विद इन वन लॉग इन यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल प्रोग्राम्स, राइट। सो आई होप ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस अभी आप सब लोग को समझ में आया, राइट। फिर भी आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट कंसर्न स्कूल टीचर्स डायरेक्टर्स, एंड मैं आप सब लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, आपको बहुत सारा फायदा होता है। ओके थैंक यू वन एंड ऑल।